आप अपने यहाँ क्यों नहीं देखते? और दूसरा, आपने बोला कि हमने 5 तारीख को क्यों भैया राम मंदिर का शिलान्यास किया, आपसे पूछ के करेंगे, हमारी अपनी मर्जी है, कश्मीर आपका है कि... नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे वर्ल्ड न्यूज ऑन इंडिया चैनल पर बहुत ही स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। पाकिस्तान के लिए 2020 में सबसे अच्छी बात ये मानी जा सकती है कि उन्होंने एक चीज़ में महारत हासिल कर रखी है, वो है इंडियन रिपोर्टर को अपने चैनल पर बुलवाने का और फिर उनसे ही पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने का। ऐसा टैलेंट सिर्फ पोर्कियो के पास ही हो सकता है। आप में से काफ़ी लोग यदि पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो करते हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी इंडियन को अपने चैनल पर बुलवाते हैं और फिर उनके हाथों से अपने ही पाकिस्तान की और अपने मीडिया ग्रुप की बेइज्जती करते हुए देखेंगे। तो चलिए देखिए आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की दाखली खुदमुख्तारी पर हमला करके उसकी खुसूसी हैसियत भी ख़त्म कर दी, लेकिन इसके बावजूद भारत वो नतीजा हासिल करने में नाकाम रहा जो वो पिछली 7 दहाइयों से हासिल करने की कोशिश में है। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज भी सरापा एहतजाज हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी अपना सरकारी नक्शा जारी कर दिया जिसमें मकबूजा कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किया गया है। अच्छा, मकबूजा कश्मीर का मामला पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की राह में अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ी रुकावट है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बहुत बड़ी रुकावट है। और जब तक इस मसले का कोई मंतकी हल नहीं निकाला जाएगा, बात घूम फिर कर जंग तक ही जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमने पहले भी देखा कि कई जंगें हो चुकी हैं, और हाल ही में एक बार फिर जंग का माहौल भी पैदा हो गया था जिसमें भारत ने अपने 2 जंगी जहाज भी गंवा दिए। मामला अब भी तश्वीशनाक है, उतना ही जितनी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल तश्वीशनाक है। मकबूजा कश्मीर के साथ भारत का जो गैर इंसानी सलूक है, सब देख रहे हैं। क्या भारत को मकबूजा कश्मीर इन हथकंडों से प्राचा सब कभी मिल सकेगा? फिर एक शब खून मारा गया 5 अगस्त को। ये 5 अगस्त की तारीख भारत के अंदर ऐसे ही शब खून के लिए है जैसे अभी राम मंदिर बनाने का काम भी 5 अगस्त को किया गया है। और इसके नतीजे में जो आपका सवाल है, मैं ये बात, ये जो हमारे पैनल में दूसरे हजरात बैठे हैं, एक भाई 3 जंगें हो चुकी हैं इस मौजू पर। आपका हर आर्मी चीफ ये लिख चुका है कि ताकत के ज़रिए से हम मकबूजा कश्मीर को अपने साथ नहीं रख सकते। दुनिया के अंदर कोई भी असूल ले लें, आप डेमोक्रेसी का लें, आप असूल जो हैं वो लें आज़ादी की तहरीकों का, तो यह बात नविश्ता दीवार है वागा के उस पार जो आसमान है उस पर लिख ली गई है कि भारत उल्टा भी लटक जाए। मोदी जैसे वहाँ राम मंदिर में ज़मीन पे लेट गया था, इसी तरह मोदी लेट भी जाए तब भी वह मकबूजा कश्मीर के अवाम को अपने साथ नहीं मिला सके। ठीक है जी, कर्नल शनिंदे साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब सर, पाकिस्तान ने आप लोगों के 2 जंगी जहाज भी मार गिराए, एक पायलट गिरफ्तार कर लिया, चीन ने आपके फौजियों की बकायदा जो कहते दुर्गत बनाई, इसी को कहते दुर्गत बनाना, मकबूजा कश्मीर के नहत्ते मासूम कश्मीरियों की आवाज़ को आप 9 लाख फौज के बावजूद दबा नहीं सके। सर एक ही सवाल, एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत आखिर आप लोग कब देंगे? जी जय हिंद, वेरी गुड। आपने जो सवाल किए मैंने वो लिख लिए। पहली बात, ये जो बात चल रही है 5 अगस्त की, हर एक चीज 5 अगस्त को ही करी जाती है, मेरे ख्याल आपको लगता है सही में कि 5 अगस्त का कोई सिग्निफिकेंस है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इट्स जस्ट अ डेट। हमको जो करना है, हमारे देश को जो करना है, हमारी देश की जो गवर्नमेंट को जो करना है वो अपने हिसाब से करती है, लोगों के हिसाब से करती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछे तो जवाब देना चाहिए। देखिए, मेरा सोच है, हो सकता है आपके यहाँ ये सोच बहुत पॉपुलर ना हो, कि आपस में हमारी जो चाहे सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल सीक्रेट जो भी बात हो, बातचीत की जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए, सच्चाई पर होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम आपस में एक दूसरे को झूठ बोलते रहे, झूठी चीजों को लेकर चलते रहे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि डॉक्टर फिजा, अभी आप बोल रही हैं कि 2 जहाज गिरे, जबकि आपका ऑफिशियल डिक्लेरेशन है एक का, अगर 2 जहाज गिरे तो वो दूसरा पायलट कहाँ गया, दूसरे जहाज का मलबा कहाँ गया,
वो सारी बातें आपके ISPR के जो गफूर साहब थे जनरल, उन्होंने बड़े क्लैरिटी से लाइव शो में कहा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका टीवी कह रहा है। सो इसलिए झूठ पर नहीं जाएंगे हम, सच्चाई पर जाएंगे। और सच्चाई ये है कि यस, हमारा एक जाबाज पायलट आपके यहाँ आया और आपके यहाँ से हमारे को वापस आ गया। आप उसे बड़ा दिल कहें, हम उसे डर कहें, ये सब इनकी आपकी आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर आप एक टीवी एंकर हैं तो आपको चीज़ों का पता ज़रूर होना चाहिए। आपके अपने पाकिस्तान ऑफिशियल मीडिया से जो चीज़ें निकली हुई हैं उनको आप इग्नोर ना करें, उनको झुटलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो सिस्टम, मैं कहता हूँ जो भी फौजी सिस्टम जब कुछ बोलता है तो बड़े सीधे शब्दों में बोलता है, चाहे वो गफूर साहब हो चाहे वो हमारे यहाँ। तो इस वजह से इस पर मेरा कोई वो नहीं है। जहाँ तक अब आपकी जो असली बात चलनी थी वो थी JNK। देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आप जहाजों की बात करने पर आ गए हैं कर्नल साहब, तो जो आपने हमारे जहाज गिराए थे बकौल आप लोगों के, और आपके ही मीडिया ने आपका मजाक उड़ाया था, तमस्कर का निशाना बनाया था कि आप किस जहाज के टुकड़े दिखा के कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जहाज है, जबकि वो MiG-21 था। और मुझे बताएं कि आपने दरख्त गिरा दिए तो आपने कहा हमने जहाज गिरा दिए, यानी आपको दरख्त में और जहाज में फर्क ही नजर नहीं आता। दरख्त का नाम आपने जहाज रख दिया। फिजा आप जैसी वो क्लिप्स भी मौजूद होंगे, YouTube पे मौजूद होंगे। एंकर अगर जहाज गिराने और दख्त गिराने को एक जैसा मान रही हैं, तो ये मैं समझूंगा ये तो आप मान रहे हैं ना भाई, मेरी एंकरिंग को बार बार आप बात क्यों कर रहे हैं भाई। मैं तो आपको बार बार नहीं कह रही कि आप एक एनालिस्ट हैं, आप एक एनालिस्ट हैं, आप आराम से बात करें। मेरी बात सुन कर्नल साहब, जंग रोहित जंग में जीते कोई भी नुकसान इंसानियत का होना है, ये बात क्लियर है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुवतें हैं, सबको पता है, और एटमी जंग का अंजाम क्या होगा ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो क्या मिल बैठकर मामला हल करना ज्यादा बेहतर नहीं है, अकलमंदी नहीं है? मिल बैठ जी मामला सॉर्ट आउट करना कौन जा रहा है, ये बात मुझे नहीं समझ में आई। सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से, और हुआ ये कि वहां से करगिल में लोग घुस आए। हम लोग तो कोशिश कर रहे थे पीस लाने की, लेकिन पीस को धोखा दिया गया और इंडियन टेरिटरी में घुस आए लोग। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीस ऐसे चलेगी तो ऐसे तो नहीं चल पाएगी यार। और दूसरी चीज़, अगर आप ये बोल रहे हैं, आप ये बोल रही थी कि प्लेन गिरा है और प्लेन इंडिया झूठ बोल रहा है और ये वो, अगर यार इंडिया झूठ बोल ही रहा है तो चलो मैं एक बार के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि इंडिया झूठ बोल रहा है, ठीक है, इंडिया झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान क्या सच बोलता है? अमेरिकन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान जिलमे खलीलजाद ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि हमारी हम पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि हम जो हथियार दे रहे हैं तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान को, वो तालिबान के पास से निकल रहे हैं। यही बात और क्लियर हुई जब करगिल वॉर हुई। करगिल वॉर में पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर्स बैठे थे और पाकिस्तान ने सीधे सीधे डिनाई कर दिया, हमारे तो नहीं है, हम तो जानते ही नहीं कौन है। बाद में खुद ही मान लिया, उनकी बॉडीज भी ली, कई बॉडीज तो अब तक यहाँ पे दबी हुई हैं। तो अगर आप एक ऐसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड झूठ बोल रही है तो उस पर आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? इंडिया को तो किसी ने आज तक नहीं बोला। क्या अमेरिका ने बोला इंडिया झूठ बोलता है? क्या किसी और यूरोपियन कंट्री ने बोला? क्या किसी और कंट्री ने बोला वर्ल्ड में? तो आप कैसे उस कंट्री को बिलीव कर सकते हैं जो कि जिस तो यानी गाय से मोहब्बत सब सिर्फ इस हद तक है कि कोई मुसलमान अगर गाय की कुर्बानी करे ईद उल अज़हा पर, तो आप मुसलमान के पीछे छुरियां चाकू लेके चल दौड़े, अपने मुफाद के लिए आप बिजनेस भी करेंगे उस गोश्त से। ये बिल्कुल, ये कोई इंसान है? वहां तो दरिंदगी का एक खेल है, लोगों को ज़िबा कर दिया जाता है। गाय का अगर गोश्त, यानी आप कौन होते हैं लोगों को कहने वाले कि आप गाय? बड़ा अहम पॉइंट आपने रेज किया बराजी साहब, सेकुलर रियासत है और कानून बना रहे हैं कि गाय आप नहीं। आपकी बातों का जवाब मैं लेती हूँ प्राचा जी का। प्राचा जी, आपने ये बोला कि हमारे यहाँ गाय का यूरिन पीते हैं और गाय डंग खाते हैं, आपने कभी हमें मना नहीं किया, ठीक है? तो आपको बता दूं कि काओ डंग कोई नहीं खाता है, काओ यूरिन जरूर पिया जाता है। आपके यहाँ हदीस में लिखा है कि ऊंट का पीजिए और पीते हैं लोग, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, हमने कभी मना किया आपको? आप कौन होते हैं मना करने वाले? हाँ, दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद पे हंगामा हो रहा है, आपको कहां दिखा? कहीं दिखा? मथुरा की मस्जिद पे कहीं दिखा? एक भी प्रोटेस्ट दिखा? किसी ने भी बोला? आप दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, अब मेरे को मेरा आंसर सुनिए पूरा। ज्ञानवापी संस्कृत का वर्ड,
कौन सी मस्जिद का नाम होता है? गूगल पे सर्च मारिए, आपको फोटो मिलेगी देवी देवताओं की मस्जिद में बनी हुई। मस्जिद तोड़, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, लेकिन अब भी हिंदू ये नहीं बोल रहा कि उसे तोड़ा जाए। आप लोग बता रहे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ के, बिल्कुल सच। आप मुझे एक प्रोटेस्ट दिखा दीजिए उस पर, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ये है सेक्युलरिज्म इंडिया की, एक टूट गया तो टूट गया, इसका मतलब थोड़ी है कि हम सारी तोड़ लेंगे। एक टूट गया, मंदिर उसकी जगह बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो पता नहीं कहां से क्या क्या बोलते हैं। फिर आप जरा देखें कि अभी एक दुनिया में रिपोर्ट आई है कि दुनिया में हजूमी तशद्दुद जो है, ये जो मॉब टेररिज्म है, उसमें भारत सबसे आगे है। भारत सबसे आगे है मॉब टेररिज्म में। लोगों को ज़िबा कर दिया जाता है, लोगों को बसों से ट्रकों से उतार के उनको रोहित साहब, ये सर ये रोने की बात है, हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। इसके उनका जो रोल है ये है, ये जो नाम ले आप दुनिया की अपने आप, और क्या आपके लिए शर्म की बात है, असल में शर्म नहीं आती। मसला ये है, वो बोल रहा है इंडिया टेररिस्ट, देश का टेररिस्ट सबसे बड़े आप हैं। दूसरी चीज, एक्सक्यूज मी, मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ ना। दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि यहाँ पे इतनी तशद्दुद होती है। भाई साहब, तशद्दुद होने के बाद भी यहाँ पे मुस्लिम्स बड़े खुश हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, आपको पता नहीं है? खुदा का खौफ करें, एक नहीं बता सकते, खुदा का खौफ करें, बोलना शुरू हो गए आप। अच्छा सुनिए, और दूसरी चीज, एक मिनट यार, फिर आप बोलना शुरू हो गए। आपने ये बोला कि वहाँ इंडिया में तबरेज और ये और वो लिंचिंग बताई आपके, अभी तो एक लड़के ने कोई फेसबुक में लिख दिया था तो उसके उसको हॉस्टल से निकाल के लिंच कर दिया गया, नहीं हुआ? ब्लास्फेमी का ही केस था ना वो भी, तो आप अपने यहाँ क्यों नहीं देखते? और दूसरा, आपने बोला कि हमने 5 तारीख को क्यों भैया राम मंदिर का शिलान्यास किया, आपसे पूछ के करेंगे, हमारी अपनी मर्जी है, कश्मीर आपका है क्या? आपसे पूछ के नहीं करेंगे, खुदा का खौफ तो करें। रोहित शर्मा को खुदा का खौफ करो, इसके अपने हिंदू आपको मरवा रहे पूरे जी, लास्ट इंडिया को तोड़ने के चक्कर में पड़ा भाई। आपको दहशतगर्द अखबार नहीं पढ़ा।